दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेट न्यूज का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिनांक 13 अक्टूबर 2018 के सोने चांदी के रेट की और साथ ही जानेंगे आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। चलिए जानते हैं आज के भाव। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश दुनिया की तमाम अपडेट और अलर्ट खबरों से। दोस्तों आज फिर बड़ी तेल की कीमतें, 8 दिन में 2 रुपये से ज्यादा बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल का भी यही हाल। दोस्तों तेल की कीमतों में इजाफा लगातार जारी है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल कीमतों में 18 पैसे का इजाफा हुआ है जबकि डीजल के दाम 29 पैसे बढ़ गए हैं। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत 82.66 रुपये है और डीजल की कीमत 75.19 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ भी पेट्रोल की कीमतों में 18 पैसे और डीजल कीमतों में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88.12 रुपये है और डीजल की कीमत है 78.82 रुपये प्रति लीटर। वैसे तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में हर रोज कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने जब से तेल की कीमतों घटाई हैं तब से पेट्रोल की कीमतों में कम और डीजल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम क्रमशः 12 पैसे और 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे, जबकि मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में क्रमशः 12 पैसे और 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। बता दें कि 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। इसके साथ ही कई राज्यों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये की कटौती हुई थी, लेकिन तेल की कीमतों में घटाने के एक दिन बाद है फिर दाम बढ़ाना शुरू हो चुके थे जो लगातार जारी है। अब सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर घटाई गई कीमतों का असर भी खत्म होता जा रहा है और 4 अक्टूबर को जब सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर थी, जो घटाने के बाद 5 अक्टूबर को 81.50 रुपये प्रति लीटर पर हो चुकी थी। वहीं 4 अक्टूबर को दिल्ली में डीजल की कीमत 75.45 रुपये प्रति लीटर थी, जो 2.50 रुपये घटने के बाद 72.95 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। लेकिन अब पेट्रोल डीजल का दाम एक बार फिर उसी के करीब पहुंच चुका है जहां से सरकार ने घटाई थी। 5 अक्टूबर से अब तक डीजल की कीमतों में 2.24 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है और कीमतों में 1.16 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो दोस्तों यदि आपका लेटेस्ट अपडेट न्यूज जिसमें पेट्रोल व डीजल के दाम, अब जानते हैं आज के 13 अक्टूबर के सोने व चांदी के रेट। दोस्तों 13 अक्टूबर शनिवार जानिए आज के सोने व चांदी के भाव। दोस्तों भारत में चांदी और उसके बने आभूषण वैसे ही लोकप्रिय हैं जैसे सोना और उसके बने गहने। चांदी एक चमकीली धातु है और सोने के मुकाबले यह बेहद सस्ती होती है। वहीं भारत में सोने के दाम यहाँ पर व्यापारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आकर्षित किए जाते हैं। और ये जानते हैं भारत के बड़े शहरों के आज के सोने के दाम। यदि चेन्नई की बात करें तो 22 कैरेट सोना दोस्तों जो है आज 30,220 रुपये है और 24 कैरेट सोना जो है आज 31,000 रुपये है। मुंबई की बात करें तो यहाँ 22 कैरेट जो है 31,010 रुपये है और 24 कैरेट है 33,000 रुपये। नई दिल्ली की बात करें तो 30,800, 22 कैरेट, 24 कैरेट है 32,700 रुपये। कोलकाता की बात करें 31,100 रुपये, 24 कैरेट है 32,600। बेंगलोर की बात करें तो 29,650 और 24 कैरेट है 31,500। हैदराबाद की बात करें 30,220, 31,024 कैरेट। केरल में 29,422 कैरेट और 24 कैरेट है 33,700। पुणे में 31,100 रुपये, 22 कैरेट और 24 कैरेट है 32,600 रुपये। बड़ौदा में 31,000 है 22 कैरेट और 24 कैरेट है 32,000। अहमदाबाद में 22 कैरेट 31,000, 24 कैरेट 32,000। जयपुर में 22 कैरेट 30,850 और 24 कैरेट है 33,500। लखनऊ की बात करें 30,850 है 22 कैरेट और 24 कैरेट है 33,500 रुपये। कोयम्बटूर में है 30,220 और 24 कैरेट है 31,000। मुदेर में 22 कैरेट है 30,220 रुपये और 24 कैरेट है 31,000 और विजयवाड़ा में है 30,220 22 कैरेट और 24 कैरेट की कीमत है 31,000। पटना की बात करें तो 31,010 रुपये 22 कैरेट, 24 कैरेट है 33,000। नागपुर में है 31,010 रुपये 22 कैरेट, 24 कैरेट है 33,000। चंडीगढ़ की बात करें 30,800 रुपये है 22 कैरेट, 24 कैरेट है 31,900 रुपये। सूरत में है 31,000 22 कैरेट, 24 कैरेट है 32,000। भुवनेश्वर में 31,650 जो है वह है 22 कैरेट और 24 कैरेट है 33,000। बेंगलोर में
29,650 22 कैरेट, 24 कैरेट है 31,500। विशाखापट्टनम में 30,220 रुपये 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने कीमत है 31,000। नासिक में 31,010 रुपये है 22 कैरेट और 24 कैरेट है 33,000। मैसूर में 29,650 रुपये है 22 कैरेट का और 24 कैरेट का दाम है 31,500 रुपये। दोस्तों यहाँ से सोने के दाम 22 कैरेट और 24 कैरेट के। अब भारत के मुख्य शहरों में चांदी के दाम की बात करें तो चेन्नई में यदि बात करें एक किलोग्राम चांदी की तो 31,500, मुंबई में है 41,500 और चेन्नई में 41,500 है। नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे लगभग सभी शहरों में दोस्तों जो है 41,500 रुपये चांदी है। तो अधिकतर रेट है 41,500 किलो के हिसाब से और 100 ग्राम की बात करें तो 4,150 रुपये हैं और 10 ग्राम की बात करें तो 415 रुपये चांदी का रेट है। दोस्तों ऐसे आज के लेटेस्ट 13 अक्टूबर के सोने व चांदी एवं पेट्रोल डीजल के भाव। इसी प्रकार के देश की तमाम अपडेट व अलर्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश दुनिया की तमाम खबरों से। वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सअप फेसबुक पर, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।